हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो ये हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले हमने फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर किया था, उसका एक शॉर्ट रीकैप लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कल जब स्टार्ट किया था तो हमने एल्कीन की बात करनी चालू की थी, एल्कीन्स की बात की थी। उसके अलावा हमने साइक्लो कंपाउंड्स की भी बात की थी, साइक्लो कंपाउंड्स, सेकेंड डायसाइक्लो कंपाउंड्स कि हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, बट थोड़ा हट के हम आज स्टार्ट करेंगे स्पायरो कंपाउंड्स की। ठीक है, चलो जी, ठीक है आठू चलो स्टार्ट करें। कोई दिक्कत, खाए पिए पड़े हो? नेक्स्ट, तो आज लिखो पहला टॉपिक स्पायरो। ठीक है, स्पायरो का मतलब होता है ऐसे टाइप्स के कंपाउंड्स जो एक साथ लिंक हों। ठीक है, अरे भैया ये ठीक है वाली आदत बहुत खराब है, वापिस आ रही है, अब नहीं बोलूंगा। तो स्पायरो कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड से अगर कोई डायरेक्टली जुड़ा हुआ कंपाउंड है तो उस कंपाउंड को अपन स्पायरो कंपाउंड कहते हैं। ओके, जैसे कि मेरे एक पास ये, तो कंडीशन ये हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, अगर इसी के साथ तो जुड़ा तो ये भी हो जाएगा डायरेक्टली, बट एट अ पॉइंट जुड़ना चाहिए, उस तरीके के कंपाउंड को स्पायरो बोलेंगे। यानी अगर एक पॉइंट से बस जुड़ा है देन ही वो स्पायरो होगा, और दोनों की दोनों कैटेगरी क्या बोलती है स्पायरो होने के लिए। तो फिर जैसे अपन ने साइक्लो में बात की थी, ये अगर मेरे पास साइक्लो कंपाउंड है तो इससे भी तो ये जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ये एक तो बॉन्ड ही है, बट इसमें कॉमन कार्बन की चीजें नहीं देखने को मिल रही है। समझ आया क्या बोल रहा हूं? यानी यहां एक अलग कार्बन है, यहां एक अलग कार्बन है, बट यहां एक ही कार्बन से लिंकिंग हुई है। और अगर एक ही पोजीशन पे सिर्फ हो, यानी एक पॉइंट पे ही हो, ऐसे टाइप्स के कंपाउंड्स को स्पायरो की कंडीशन पे रखा जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत? अब यहां पास दो पॉइंट से अगर डायरेक्टली कार्बन हो और कार्बन सेम हो, अटैचमेंट कार्बन, देन इस तरीके के कंपाउंड को हमने कल डिस्कस कर लिया था डायसाइक्लो की कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, कंप्लीट? ओके ओके। और इसी तरीके से अगर डायरेक्ट कॉमन अटैचमेंट ना हो तो उसे साइक्लो बोलते हैं। तो आज का अपना टॉपिक जो है उसी पे टॉपिक पे कूदते हैं जल्दी से और इस चीज को सॉल्व करते हैं। चलो, तो सबसे पहले स्पायरो की हम एक फ्रेम समझ लेते हैं जिस तरीके से हम उसमें भागेंगे। तो हमारे पास जैसे कि स्पायरो कंपाउंड है तो हम सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे अगर कुछ है तो। ओके ओके, इस प्रीफिक्स के बाद हम स्पायरो लिखेंगे, स्पायरो के बाद एक्स और वाई नोटेशन रहेगा, इसमें सिर्फ दो ही नोटेशंस रहेंगे एक्स एंड वाई बस। नेक्स्ट जो एक्स एंड वाई नोटेशंस के बाद इसमें नेक्स्ट चीज जो आएगी वो आ जाएगा आपका वर्ड रूट का नाम। इसके बाद अगर सफिक्स है कुछ प्राइमरी और सफिक्स है अगर कुछ सेकेंडरी तो आप उसको लिखोगे। जैसे कि इस कंपाउंड की एग्जाम्पल ले लेते हैं और लिखते हैं क्या होगा इसका नाम। तो सबसे पहले अपने को स्पायरो की कंडीशन ये बोलती है कि हमें इस इन सभी चीज़ों को अपने वर्ड्स में लिखते चले जाना, ताकि बाद में ध्यान रहे कि हमने बायसाइक्लो में क्या कंडीशन पढ़ी थी, साइक्लो में कंडीशन क्या पढ़ी थी और स्पायरो में क्या कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है कि हम छोटे वाले ब्रांच से मूव करेंगे हमेशा, यानी छोटे वाले क्या क्लोज्ड स्ट्रक्चर से हमेशा मूवमेंट होगी, यानी नंबरिंग की जाएगी स्मॉल क्लोज्ड स्ट्रक्चर से क्या करेंगे हम नंबरिंग करना चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ। तो नंबरिंग कहां से की जाएगी? अब
छोटे वाले से तो इस राइट साइड से, राइट साइड से। और एक कंडीशन और सेकंड ऐड कर लेना कि ये कॉमन से हम नंबरिंग नहीं करना चालू करेंगे। हमने जब बाय साइक्लिक कंडीशन पढ़ी थी तो हमने कॉमन, जैसे ये मेरे पास बाय साइक्लिक कंडीशन थी तो हमने कॉमन जहां पास से था वहीं पास से नंबरिंग करना चालू कर देते थे, बट यहां से नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग इस बार यहां से होगी। क्लियर? चल तो ये आ जाएगी इसकी कंडीशन। अब अपन इसी रूल को फॉलो करेंगे और नेमिंग करेंगे इसकी। रब कर दूं नीचे का या लिखा रहने देते हैं ताकि अपने समझ आए कि फॉलो हो रहा है कि नहीं। प्रीफिक्स तो यहां फिलहाल कुछ है नहीं, ठीक है। और x एंड y क्या नोटेशन बनेगा इसकी समझा देता हूं एक बार और। तो x सेम टू सेम, जो आपका पहला एक्सिस रहेगा उसमें जो चीजें आएंगी वो x बन जाएगा, तो एक दो तीन, यानी x इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा तीन। और y क्या आ जाएगा इसको छोड़ करके, एक दो तीन चार पांच, तो y इज इक्वल टू पांच। तो यानी आपको एक ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी जिसमें यहां x ऑलवेज लेस देन होगा y, पर डाई साइक्लो में यही कंडीशन उल्टी थी। कुछ रिवीजन करके आए हो कि नहीं? डाई साइक्लो में x क्या था, हमेशा बड़ा था y से, और y हमेशा बड़ा था z से, हमने पढ़ा था। तो इस सी कंडीशन को छोड़ते हैं अभी, अभी अपने पास कंडीशन जो मिली है उस चीज को नोट करते चले, अपने वर्ड्स में नोट करते चले जाना, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैं बोलते जाऊंगा, अब नेक्स्ट यहां पास से आगे बढ़ते हैं। पहले मैं नाम लिख लूं, फिर डाउट जो आएगा पूछना एक साथ। अब देखो तो नेमिंग क्या आ जाएगी, सबसे पहले प्रीफिक्स तो कुछ नहीं है तो स्पाइरो लिखेंगे डायरेक्टली, उसके आगे एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू फाइव, और वर्ड रूट क्या आ जाएगी, नाइन है टोटल, एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर? सफिक्स प्राइमरी बस लगा है एन, और सफिक्स सेकेंडरी कुछ नहीं है। यहां तक की बातें क्लियर है? चलो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। क्लियर है? बोलो। अपन हमने जो स्ट्रक्चर का नंबरिंग किया तो वो से फोर से घूम के नीचे साइड क्यों नहीं आए, ऊपर साइड से क्यों नहीं इस साइड चले गए? वैसा जरूरी नहीं है, नीचे जाना चाहो तो नीचे भी जा सकते हो। नंबरिंग करने पे क्या नीचे से कुछ और नया चीज हमें मिलेगा ज्ञान? अगर मान लो यहां मिथाइल लगा होता तो ब्रांचिंग को ध्यान देते हुए हम नीचे से जाते, ठीक है, तभी वैसा कंडीशंस पढ़ेंगे एक के बाद एक। चलो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए और देखते हैं कि और क्या एग्जांपल्स इसके मैक्सिमम कंडीशंस बन सकती हैं और जिसपे थोड़ा बहुत रूल्स इधर उधर होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से अपने को ज्यादा समझ नहीं आया कंडीशन, अब देखते हैं इसमें। और जैसे कि मैं अगर इस तरीके का कंपाउंड बना दूं फिर से, बट यहां पास तीन जोड़ दूं। अभी अपन एल्कीन कहानी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहां पास से अगर मैं इस तरीके का ब्रांचिंग बना दूं, एक तो ये कंडीशन, सेम टू सेम इसी तरीके से एक और कंडीशन आ जाएगी। ओके अब एक और कंडीशन क्या आ सकती है, क्लियर? तो अब इसमें नेमिंग कैसे की जाएगी? तो सबसे पहले देखो यार, ये थोड़ा नया है, पिछले वाला सबसे इजीएस्ट पार्ट था स्पाइरो का। अब इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऐसी लोकेशन से करेंगे जिससे अपने को ब्रांचिंग को लीस्ट नंबर मिले,
जाहिर सी बात है हमारा ये रूल भी बोलता है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बताते जाओ, स्पाइरो, ठीक है। इससे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे तो मिथाइल मिथाइल है, यानी वन वन डाई मिथाइल स्पाइरो एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सॉरी टू एक दो यानी टू, वाई इज इक्वल टू फाइव यानी फाइव, और ये क्या आ जाएगा, कितना स्ट्रक्चर है इसमें टोटल, एट है तो ऑक्टेन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया, हुल्ली बुल्ली गड़बुल्ली, हुल्ली बुल्ली गड़बुल्ली, चलो क्लियर है, आगे मिटा दूं। अब देखो इसी तरीके से अगर मैं सेस्ट नेक्स्ट कंपाउंड में कूदता हूं तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, नंबरिंग राइट वाले पे टॉप से, राइट वाले पे टॉप से, ये वाले पे टॉप से करेंगे यहां से, तो वन टू थ्री ऊपर जाएंगे नीचे ऊपर, फोर फाइव सिक्स ओके। अब अगर मैं यहां से भी करता तो वन टू थ्री ही पॉइंट मिलता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर लो। अब यहां पर से मुझे नीचे नहीं आना है क्योंकि मेरे को लीस्ट नंबरिंग ब्रांचिंग को देना है, चीज है, तो यही नंबरिंग सही हो जाएगी इसकी। तो क्या होगा, फोर प्रोफाइल है, वहां पर थ्री कार्बन है, कहां है, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तो तीन कार्बन है मतलब प्रोपाइल हो जाएगा, हैं? कौन सा कंडीशन से पढ़ के आए हो, कहाँ पढ़े हो, यहां तो ऐसा कुछ कोई नहीं पढ़ाया है, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन, वन पे मिथाइल लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर वाली लिखने वाली कंडीशन है, यानी ये मेरा क्या आ जाएगा, फोर ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट फिर वन मिथाइल, ठीक है, इथाइल ब्रैकेट क्लोज स्पाइरो, स्पाइरो ब्रैकेट टू 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 थ्री थ्री एक दो तीन हाँ थ्री, और इसके बाद हेक्सेन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो हुई है दिक्कत, ध्यान रखना ऐसी कंडीशन को, डायरेक्टली प्रोपाइल मत लिख देना, कॉमन नेम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, कि डायरेक्टली हम लिख दें आइसो प्रोपाइल, वो कॉमन नेम वाला हम अलग से पढ़ेंगे कि कहानी कैसे क्या होती है, तो क्या होता है, क्या कहा होता है, तो हम कैसे किसी को लल्लू मल्लू टल्लू नाम दे देते हैं कॉमन, तो हम इन कंपाउंड्स को भी कैसे नाम करेंगे, कॉमन नेमिंग अलग से आखिरी में जब आईपीएससी खत्म हो जाएगा तब कॉमन पढ़ाना चालू करूंगा, कंफ्यूजन मेरे को पैदा नहीं करना है किसी के बीच में, ओके क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट कंडीशन आती है इसके लिए, अब इसके लिए कहां से नंबरिंग करेंगे, अब देखोगे यार छोटा वाला जो कंपाउंड है उसमें अगर मैं नंबरिंग करना चाहता हूं तो वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से भी करोगे तो फाइव ही मिलेगा यहां पर। अब इसके बाद फाइव करने के बाद अब इसमें वैसे देखा जाए तो ब्रांचिंग ज्यादा आ रही है, तो क्या मुझे इसे प्रिफर करना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव की ब्रांचिंग देखने के मिल रही है, फाइव कार्बन की एक लॉन्ग ब्रांच प्रेजेंट है, यानी अगर मैं इसमें कुछ सब ब्रांचेस भी बना दूं इस तरीके से तो भी ये यार और ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो क्या मुझे अभी भी इसे स्पाइरो की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, तो आंसर है जी हां भैया, क्योंकि विथाउट नेमिंग इट एज एक्सपायरो हम इसे नेमिंग कर ही नहीं सकते, कर पाएंगे क्या, ठीक है, समझ आई कहानी, ओके क्लियर है, क्योंकि ऐसे टाइप्स के स्ट्रक्चर को स्पेशली स्पायरो के अंदर ट्रीट किया जाता है, इसमें ये थोड़े बहुत आईयूपीएससी के रूल्स को नेगलेक्ट करते हुए निकल जाते,
आते हैं उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता है, बट इंफॉर्मेशन करेक्ट दिखती है अपने को नाम से। यार ये नाम मुझे मालूम है, यार इसका नाम जयप्रकाश पटेल है, तो यार मुझे मालूम होना चाहिए कि जयप्रकाश पटेल इसका नाम है, तो ये कहां तक पढ़ा है, मतलब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जानी चाहिए। ठीक है, भले ही इसका नाम घर का नाम सचिन हो, उससे अपने लेने देना नहीं है। तो इसी तरीके से यहां भी अपन उस वही रूल को अपनाएंगे, स्पायरो का स्पायरो ही रहेगा। तभी इसको मिटा दो कि इसका भी नेमिंग कर लें, चलो कर लेते हैं, लंबा थोड़ा जाएगा पर चल जाएगा, थोड़ा नया जानने को मिलेगा। फाइव इधर साइड आएंगे, सिक्स छोटे से हमें सिर्फ नंबरिंग करते थे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, हमें छोटे से ही करना है, स्पायरो का रूल है। सिक्स ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छोड़ता, तो ये नॉर्मल सी ब्रांचिंग क्या चीज है। ठीक है, डबल बॉन्ड आने पे रूल्स बहुत सारे नेगलेक्ट करने पड़ते हैं अपने को, पर यहाँ पास कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स है, ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है, ये थोड़े खतरनाक कंपाउंड्स होते हैं ऐसे। फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन, अब इधर साइड भी नंबरिंग कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, और इधर भी एक गया है, ठीक है इसको रब कर दे, चलो फाइव ऊपर जाएंगे तो सिक्स, क्लियर है। वन टू थ्री फोर, हाँ हाँ सॉरी सॉरी फाइव फाइव, ये जाएंगे तो फाइव, मैंने यहाँ को दो बार नंबरिंग कर दिया, क्लियर है। अब बोलते जाओ, इसको ऊपर को रब कर देता हूँ ताकि आप लोग को एक साथ दिखते चले जाए, नहीं तो स्ट्रक्चर में मोड़ लेता हूँ, ओढ़ लेता हूँ स्ट्रक्चर को। सेवन चलो सेवन ब्रैकेट थ्री फोर ट्राई मिथाइल ट्राई बोलो मिथाइल पेंटाइल PENTYL पेंटाइल ब्रैकेट बंद, दारू पी के आए हो क्या या गांजा पी के आए हो। ठीक है, ऐसे शब्दों का यहाँ इस्तेमाल करना काफी मना है, बट तुम लोग के जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है, समझ आई क्यों मैं बोल रहा हूं। यहां पास तीन, तो क्या मुझे इंफॉर्मेशन यहां ट्राई की कहां से देख के मिल रही है, मैं वही देख रहा था कि आगे भागे पड़े हो यहां कुछ नोटिस नहीं कर रहे हो हैं। तो नंबर जितने रहेंगे उतने ही मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे डाई लिखना है तो मैं यहां वन वन लिखूंगा या टू टू लिखूंगा, जो भी परसेंट रहेगा। ट्राई यानी लिखूंगा तो तीन, टेट्रा हेक्सा हेप्टा जो भी लिखूंगा, हेप्टा मतलब सात, तो सात बार मुझे नंबर्स लिखना पड़ेगा चाहे मैं जो भी नंबर लिखूं। ठीक है, पर नंबर डोनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या भी गलत हो जाता है बनता खीन। तो थ्री थ्री फोर, ठीक है, डैश ट्राई मिथाइल पेंटाइल, आगे बोलो स्पायरो ब्रैकेट फोर फोर वन टू थ्री फोर और इसमें फाइव, आगे डेकेन, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आया। सेवन के बाद डैश लगेगा, कहाँ पास बोल रहे हो, सेवन के बाद नहीं डैश नहीं लगेगा, ब्रैकेट लगा है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन कहाँ बोले हैं डैश लगेगा जब लेटर या नंबर हो, सॉरी नंबर और लेटर के बीच में क्या डैश लगेगा, और यहाँ क्या है ब्रैकेट, तो दोनों सिंबल्स ही हैं, दोनों सेपरेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो जब हम सिंबल्स का क्यों यूज़ करते हैं, दो चीज़ को सेपरेट दिखाने के लिए, यहाँ तो पहले से ही सेपरेट है चीज़ें तो नहीं लिखना है, क्लियर। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और देखता हूँ कि स्पायरो की कितनी क्लियरेंस आई, क्योंकि मुझे यहाँ से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जितने एग्जांपल्स कराया हूँ उसमें से चार में से तीन तो गलत हुए हैं। चलो लिखो अभी, जैसे कि मेरे पास
बताओ। टू प्रोपाइल हो गया, स्टार्ट करें। चलो तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, टू प्रोपाइल, टू प्रोपाइल, हाँ स्पाइरो, स्पाइरो थ्री पाइप। पुष्पान जी तुम भी वो इधर साइड ध्यान दो, टू प्रोपाइल स्पाइरो बोलो। ओए ओए, तो ये पहला भी नहीं हुआ। स्ट्रक्चर बनाने में ध्यान मत दो, प्रैक्टिस करो, डीपीपी खुद ही है, उसको और जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा मैं नोट्स दे दूंगा बहुत सारे, तो उससे अलग से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 300-400 क्वेश्चन है, ठीक है, वो तुम्हारे पीछे जो बुक पड़ी है उसी में है, जीओसी के क्वेश्चन। क्या बोलो आगे? पहली बात यहां देखो महाराज जी, यह डायसाइक्लो कंपाउंड है। मैं यही देख रहा था कि स्पाइरो ये कहां से बंदा बोल रहा है, ठीक है, चढ़ा के आए हो पक्का लग रहा है। बाद में नोटिस किया, बाद में नोटिस करने के बाद टोकना चाहिए था अभी तक, इसलिए मैं अभी बात कर रहा था। मैं सोच रहा था कि देख रहा है कि नहीं, प्रैक्टिस नहीं हुई है कल के क्वेश्चंस की, नहीं तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर में स्पाइरो और डायसाइक्लो में अंतर दिख जाता है आराम से अचानक से, इसलिए मैं बीचों बीच का क्वेश्चन दे दिया टॉपिक से भड़का के। तो ध्यान रखना यार कि कैसा कंपाउंड दिया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका नेमिंग, पहले नंबरिंग बता दो, 1, 2, 3, 4, 5 गलत नंबरिंग, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चूंस करना है का नंबर ऑफ कार्बन, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, और ये 9। अगर यहाँ से भी स्टार्ट करता तो यही वैसे नंबरिंग आती, यहाँ से 1 लेता तो आता ना वही। तो क्या आ जाएगा इसका कंपाउंड का नाम 8 पे, क्या है, मैथ एथ प्रॉप 1, 2, 3 यानी 8 प्रोपाइल, ठीक है। इसके बाद ड्रेस सॉरी साइक्लो डायसाइक्लो ब्रैकेट कितना है, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 0 अंदर मत भूलो कि स्पाइरो पढ़ रहे हैं कि डायसाइक्लो पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन रिवीजन रहेगा तो अंतर पता रहेगा। इसमें डायसाइक्लो, इसके बाद इसकी नंबरिंग एक्सिस की, इसके बाद अपन वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट क्या है इसमें बताओ जल्दी, नोन सिंगल बॉन्ड एन, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या नेमिंग नंबरिंग कहां से करेंगे अपन, ये एक स्पाइरो कंपाउंड है साफ साफ दिख रहा है, पर यहां दो दो स्पाइरो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, दो नहीं एक तीन का कॉम्बी देखने को मिल रहा है, एक स्पाइरो मतलब इसके बीच में एक स्पाइरो बन रहा है, एक इसके बीच में स्पाइरो बन रहा है। तो अपन नंबरिंग किसके लिए करें, तो यार देखो यहाँ पास कितने 1, 2, 3 इसके लिए 1, 2 लोएस्ट जिसमें हो रूल वहीं से फॉलो होगा 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 होगा। चलो तो 1, 2, 3 अब इसको लोएस्ट मिले ऐसा मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 क्लियर है। अब इसके बाद ये जो बाहर वाली चीज आ जाएगी इसकी अलग से सेपरेट नंबरिंग कर लो। ये थोड़ा सा मैंने विचित्र टाइप के सवाल ले लिया है खुद के लिए ही दिक्कत करने वाला, क्योंकि ऐसे टाइप्स के कंपाउंड स्पाइरो की कंडीशन में नहीं आएंगे, इसे अलग से एक नए कंडीशन में पढ़ते हैं। वैसे वो हमारे कोर्स में नहीं हो, ज़्यादा ही एडवांस हो जाएगा। ये एक तरीके से डाई स्पाइरो कंपाउंड के कंडीशन में आएगा, ठीक है, बट इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं क्योंकि हमें वो कंडीशन अभी नहीं आती है, ना मुझे आती है अच्छे से,
ना मैं गलत बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल सी ए कंडीशन आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, लिस्ट नंबरिंग भी हमने दे दी है, 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पास से देखो तो थोड़ी सी गलती हो चुकी है, क्योंकि ये वाली ब्रांच थोड़ी मेरे को लंबी दिख रही है, पहले वो क्लोज था इसलिए मैंने उसे ले लिया था। तो ये क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 के बाद 4 मुझे इधर लाना चाहिए था, 4, 5, 6, 7, 8, अब सही है, सही है। अब बोलते जाओ नाम, बोलो 1, 2, 3, 4, तो 3, sorry, 4। सबसे पहले मैथ एथ प्रॉप अल्फाबेटिकली ऑर्डर याद रखना है, तो प्रॉप आ जाएगा, और यहां मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, तो ब्यूट पहले आना चाहिए कंडीशन के हिसाब से। सो 4 ब्यूटाइल, इसको लगता है मिटाना पड़ेगा, बहुत बड़ा नाम आ जाएगा इसका, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। क्या आ जाएगा, 4 ब्यूटाइल-7 प्रोपाइल स्पाइरो 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5 गिनना चाहिए, फिर 8 है टोटल, तो ऑक्टेन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो 4 ब्यूटाइल इसके लिए, 7 प्रोपाइल इसके लिए, स्पाइरो 2, 5 ऑक्टेन, सही है, सही है। चलो नेक्स्ट वाले के नाम, बता हुल्ले हुलारे हुल्ले 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 हुलारे हुल्ले 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 हाँ 1 ब्यूटाइल साइक्लो प्रोपाइल PROPANE प्रोपेन। सो 1 ब्यूटाइल मैथ हैथ प्रॉप ब्यूट, और ये क्या आ जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। अभी भी गांजा चरस कुछ भी बचा हो तो पी के आ जाओ, ठीक है। साइक्लो के लिए कंडीशन में बताया था, बाहर की ब्रांचिंग ज्यादा बड़ी हो तो नंबरिंग उसको करेंगे, वर्ड रूट इसको मानेंगे, मेन चैन पेरेंटियल चैन जिसे बोला जाता है ये गिनी जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, आगे की चीजों को तो पढ़ते जाओगे, पीछे का कुछ नहीं आएगा, पिछली बार बताया था उसके कारण आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। क्या बात, पिछली बार मैं क्या बताया था, पिछली बार क्या बताया था, बाहर की चैन हमेशा बड़ी हो, बट अगर इक्वल हो तो उस कंडीशन में हम क्लोज को प्रायोरिटी देंगे, ये मैंने बोला था, यानी मैंने कंडीशन भी समझाई थी, ये 3 बाहर की, 1, 2, 3, sorry, 4 हो गई, 1, 2 ये 3, तो ये भी 3, ये भी 3, कंडीशन किसके लिए, पहले इसको प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये साइक्लो है, ज्यादा स्टेबल है कंपाउंड, क्लोज चैन ज्यादा स्टेबल होती है ओपन से, बट रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा रिएक्टिव होती है, समझ आई कंडीशन, तो हमेशा ध्यान रखो, पिछला रिवीजन करके आओ, और बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरनेट में अवेलेबल है, ठीक है। किताब रखी है पुराने साल की 10 ठोक, उससे कर डालो। चलो जी आगे बढ़ो, फालतू बकवास नहीं, किताब नहीं है उसके साथ पेन गायब हो गया, ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है, ये सब के चर्चा नहीं करना है अपने को। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो दिमाग खिला दिया और पुराना चेकिंग भी करवा दिया कि कितना याद था किसको कौन सा। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, तो क्या आ जाएगा, 1 पे
साइक्लो प्रो पी आर ओ पी वाई एल प्रोपाइल, फिर क्लियर है, कोई दिक्कत तो और क्वेश्चंस कर लेना, नहीं तो ऐसे फिर उल्टा सीधा लटकोगे बार बार दिमाग में। तो देखो यार, नए नए चीज़ें पढ़ेंगे तो पुराने चीज़ें भूलने के और मिक्सिंग होने का ज़्यादा चांसेस है। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसको आज ही जा करके उसका अच्छा कॉन्सेप्ट बना लोगे तो अगले वाले दिन पे वो कोलैप्स नहीं होंगी चीज़ें, जब तुझे मुझे मालूम है अरे इसमें तो ये चीज़ आती थी, ठीक है, जब तुमने ए पढ़ा और इधर बी पढ़ा। मान लेते हैं आज तुमने ए के बारे में पढ़ा कि ए फॉर एप्पल होता है, अगले दिन तुमने पढ़ा बी फॉर बॉल होता है, तो तुम्हें मालूम रहेगा एप्पल में तो भैया ए डबल पी एल ई होता था, बॉल में तो बी ए डबल एल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेरे को डिफरेंस मालूम है यार, इसमें बी आ रहा है, इसमें कहीं बी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी, अरे यार इसमें भी तो ए आ गया, कहीं ये ए फॉर एप्पल वाला तो ये नहीं है, तो कन्फ्यूजन पैदा होगी। यहाँ भी एल है, यहाँ भी है, अरे यार लगता है ये ए ही हम पढ़ रहे हैं। अब ये दोनों को मिक्स करके कोई नया मीनिंग बना दोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो रूल्स अपने मत बनाओ, आईपीएससी रूल ने खुद अपने नियम बना दिए हैं, बस उसे फॉलो करते जाओ, हो गया। तो ये हमने पढ़ा एक मेजर टॉपिक जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें से आपका साइक्लो कंपाउंड, फिर डाई साइक्लो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पायरो कंपाउंड फिर इम्पॉर्टेंट है, फिर डाई साइक्लो कंपाउंड इम्पॉर्टेंट है, एल्कीन एल्केन एल्काइन तो ये इम्पॉर्टेंट है ही हैं। तो अब हमारा नया टॉपिक होने वाला है दिमाग को साफ करके डबल बॉन्ड की पढ़ाई करना, यानी इसे क्या बोलते हैं, इन वाले कंपाउंड। कौन से इन वाले, यानी एल्कीन के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं। चलो स्टार्ट करें। तो इस पे सफिक्स क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स तो कुछ होगा नहीं, जाहिर सी बात है प्रीफिक्स क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो सफिक्स क्या आएगा, इन आ जाएगा इसका सफिक्स। वैसे इसे छोटे कैपिटल लेटर में लिखेंगे यानी स्मॉल लेटर में लिखेंगे ई एन ई। अगर इसी तरीके से कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें आखिरी का वर्ड यानी सफिक्स सेकेंडरी जो है उसमें अगर वर्ड, मान लेते हैं मैं पहले ये भी रूल बताया हूँ, ए ई आई ओ यू, ई को हटा दो, ई तो यहाँ आ गया, ऐसे टाइप्स के कंपाउंड, या वाई भी आता है, अपन वाई भी एज आ वॉवेल्स के अंदर ही गिनते हैं, तो अपन यहाँ से ई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। वैसे ही तरीके से एल्काइन में नया चीज़ नहीं बताऊँगा वाई यानी, तो इसलिए वहाँ भी याद रखना, इसे भी रिमूव कर देंगे इस कंडीशन में, ठीक है। एल्केन में भी यही कंडीशन आ रही थी, ए यानी, तो वहाँ भी जहाँ इस तरीके के कंपाउंड आएंगे आ रहे थे, हमने ई को रिमूव करते चल दिया था। अब इसी में से एक ट्विस्टेड कंपाउंड को मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। एल्कीन पढ़ाने से पहले बार बार वो क्वेश्चन कई दिन से लैप्स हो रहा था, वो वैसे लेक्चर आई थिंक सो फोर्थ लेक्चर का वो टॉपिक था, ठीक है, पर हर बार आखिरी वक्त में मुझे याद आता, पर 50 मिनट हो चुके रहते थे इसलिए मैं नहीं बता पाता था। नेक्स्ट कंपाउंड की स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले तो वो वाला एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखियो। अगर मान लेते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, तो अपन ने पढ़ी थी एक कंडीशन बिस ट्रिस टेट्रा टी टेट्रा किस पेंटा किस, ये सारी कंडीशन पढ़ी थी, लड़कियों वाले पाउच स्ट्रक्चर मध्य, ठीक है,
वैसे ही आगे कहानी बढ़ती चली जाएगी। तो अपने को बार बार उसके नीचे के दो कंपाउंड्स का नाम नहीं याद आएगा, मतलब यूज नहीं होगा, बट कहीं दिमाग में ना आए भैया इसको तो याद ही नहीं है, ठीक है। ये सारी ये इस तरीके से आप आगे बनाते चले जाओगे, अपने दिमाग में रखना, बट कंडीशन 20 और 30 का ही यूज होगा। अब ये कंडीशन कब यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यार ये यूज होती है तो होती है कब। तो इस तरीके के कंपाउंड में आप 20 और 30 वाले स्ट्रक्चर्स को यूज करोगे। जैसे कि मैं यहां पास क्या लिखूंगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर पहले इसी को समझ लेते हैं। जैसे कि मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, इधर से करूं कि इधर से करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर है। तो अब क्या आ जाएगा, इसका नेमिंग बताते चले जाओ। तो 2 6 सेम स्ट्रक्चर है 2 और 6 पे। तो ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर को जब अपन ब्रैकेट पे लिखने की जरूरत पड़े, क्योंकि अपन को क्या लिखना है, 1 पे 1 2 1 पे मिथाइल, इधर भी क्या लिखेंगे, 1 पे मिथाइल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 6 20 कंपाउंड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 1 पे भैया मिथाइल, फिर क्या है, ethyl, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर नॉर्मल सी नेमिंग कर दो, क्या है, 8 है, 8, 10, क्लियर है, समझ आया कि 20 30 टेट्राकिस पेंटाकिस कब यूज करना है, समझ आए, ठीक है। मुंह बोलती मत बंद करो, वो समझ आ गया, लेकिन मतलब 20 का यूज क्या है, यहां पर 20 का यूज का मतलब है भैया, 20 मतलब होता है ट्वाइस, 30 का मतलब होता है थ्राइस, इसका मतलब 4, इसका मतलब 5x। तो यहां पर 20 यानी ये टोटल कंपाउंड जो मेरे पास है इसकी क्वांटिटी 2 है, अब समझ आया। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए अपन 20 यूज करेंगे, बट अगर इस तरीके के कंपाउंड में हम कभी 20 यूज नहीं करते हैं, जहां मान लेते हैं हमें क्या यूज करना हो, इसी तरीके का कंपाउंड दिखाना हो, बट यहां पास क्या हो, ये हो जाए, अगर सिंगल आ जाए, तो सिंगल के लिए तो मोनो, मोनो के लिए कुछ लिखते नहीं है वर्ड, तो 2 6 1 methyl ethyl लिख देंगे, क्लियर है, सॉरी ये 1 पे ये तो नहीं आएगा, पर ये 6 बस पे मान लेते हैं 1 पे आ रहा है, 6 पे कुछ नहीं आ रहा है, ये 20 भी हट जाएगा, ये नेमिंग आ जाएगी, 1 methyl ethyl, और यहाँ पास इथेन आ जाएगा, तो सबसे पहले इथेन लिखेंगे, यानी 6 ethyl, फिर यहाँ पास से नंबर बड़ा सा, फिर गैप, सॉरी ये नहीं यूज होगा, 1 methyl ethyl ethane, क्लियर है। तो ऐसे कंडीशंस में अपन 20-30 यूज नहीं करेंगे, 20-30 तभी यूज करेंगे जब अपने पास 2 हैवी कंपाउंड्स दे दिए जाएं और उनको अपने को शो करना हो ऐसे ब्रेकेट वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है। 3 आ जाए तो, यानी अगर मैं यही कंडीशन को यहां भी ला देता तो 30 यूज करते हैं, ठीक है, समझ आई। बहुत ज्यादा गलती करते हैं लोग इसमें, इसलिए इस चीज को समझ के रखना। अब नाउ अब कूदते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट पे, मैं अभी तक तो हमने सबसे आसान वाला पार्ट समझा, अब कई कंडीशंस बदल जाएंगी, इसीलिए अपन इसको थोड़ा सा हार्ड वाला बोलते हैं, एल्कीन भाई हार्ड है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का समझ है, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, नाउ अब लिखते हैं सबसे पहले इस तरीके का कंपाउंड और थोड़ा दिमाग की टेस्टिंग करना चालू करते हैं। ठीक है, आसान है, आप इसमें बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वाह ये क्या है, आसान है, नीचे से जो डबल बॉन्ड है, नीचे से डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे, ऐसा बोलना है, चलो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
अब अगर मैं इधर ही साइड से इधर से आता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्गेस्ट चैन तो ऊपर वाली आ रही है, ठीक है, बट यहाँ पास क्या आ रहा है, तो नंबरिंग इसकी ऐसे करनी चाहिए हमें। यहाँ पास डबल बॉन्ड लगा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 तक है ना, यहाँ तक करनी चाहिए, बट ये वाला रूल गलत हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्कीन एक पावरफुल अनसेचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी को शो करता है, और इस कंडीशन पे अपने पास एल्कीन मोस्ट पावरफुल हो जाता है, यानी कार्बन कार्बन को अपनी ओर जोर से खींचता है, तो ये ऐसा बिहेव करने लगते हैं मेन पेरेंट चैन की तरह। इतनी कहानी समझ आई जितनी मैंने बोली अड़बड़ा के? चलो, तो ये वाला गलत, ये वाला सही हो जाएगा। तो अपने पास ये एल्कीन ये बोलता है कि अपने को जो मेन पेरेंट चैन बनाना है उसमें ये ध्यान रखना है कि अपने पास मैक्सिमम या फिर ऑल लिखो, और ऑल डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स आना चाहिए। सही है, चाहिए, समझ आ गई, रिवीजन भी कर लेना एक बार बार। अभी अपन एग्जांपल्स करते हैं तो थोड़ी समझ आ जाए इसकी, और कंडीशन क्लियर है, आगे बढ़ें। अब रब कर देता हूँ, तो ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा ये भी फटाफट बता दो। अब तो ये बहुत ज़्यादा इजी वाला पार्ट है, ये आसान है। हाँ बताओ, इसको मिटा दिया जाए। चलो जी बताओ, थ्री प्रोपाइल, थ्री प्रोपाइल आप फोड़ रहे भाई। हेप्ट वन सिक्स, अरे इसे देख के बताओगे, वन सिक्स डाय, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, थ्री पे प्रोपाइल, ठीक है, और इसके बाद हेप्ट यानी सात, वन और सिक्स, अबे ये रख पांच है ना, छह लिखता है, तो वन और सिक्स डाइन, वेरी गुड वा, ये हुई नई वाली बात। पार्टी साटी मिल गई, खत्म हो गया। चलो पार्टी में, अब मत लो को पार्टी में, चलो 10 ठोक और क्वेश्चन देते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। हर क्वेश्चन सही होने का एक सम होता, और अगर हर एक क्वेश्चन जितना गलत हुआ उसमें से 5 समोसे मुझे मिलेंगे, ठीक है, मंजूर है। हाँ तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करता हूँ, मेरे 5 समोसे कंफर्म हो जाए, ठीक है। आज तो मंजूर है, आप तो वीडियो में भी तर्क लग गई है, अब तो एडिट भी नहीं करना है। इस तरीके का अगर मेरे पास एक कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, अब डबल बॉन्ड इसमें दे दूं, क्लियर है, और इसी तरीके से बस 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 फोड़ रहे हो, हल्ला मत करो। चलो सोच साच के करना, क्योंकि 5 समोसे मुझे मिल जाएंगे थोड़ी सी गलती से, अब मुझे देना एक ही समोसा है। क्लियर है, चलो यार ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है, फिर एडिट करना बड़ा करना पड़ जाता है। क्लियर है, नहीं पता बताओ, फिर तुक्का मारो। साइक्लो से स्टार्ट करेंगे, साइकिल मतलब उस वाली ब्रांच, मेन ब्रांच मानेंगे इसको, जो गोल है साइकिल है। किसने सिखाया ये है? मैंने तो ये कंडीशन अभी पढ़ाई भी नहीं है, पिछले साल पढ़ाई थी। हैं,
पिछले साल का मुझे खुद याद नहीं कि मैंने क्या खाया था पिछले साल, अभी पिछले साल का पूछ रहे हो। हुल्ले हुलारे हुल्ले 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 हुलारे हुल्ले हुल्ले चलो ठीक है, इस चीज को रब करते हैं, अब इसकी कंडीशंस पे आएंगे तब हम अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। से गायब करते हैं, सबसे पहले इसकी कंडीशन समझो इनकी और ज्यादा, फिर तब की जाके ये सब चीज समझ आएगा। तो सबसे पहले एल्किन में और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ये तो सबसे इजीएस्ट था, नंबरिंग की समझ आ गया। अब भैया लोकेंट वोकेंट रूल को फिर से एक बार दोहराने की कोशिश करते हैं इन सभी के लेके। तो पहला रूल तो ठीक है, दूसरा रूल ब्रांचिंग का था, वो भी अपन ने पहले एग्जांपल पे अप्लाई करके देख लिया। अब तीसरा बोलता है लोकेंट यार। अब पहले ही लोकेंट या रूल क्या बोलता है कि जिधर साइट इन पहले आएगा उधर साइड से नंबरिंग करेंगे, यानी मुझे नंबरिंग किधर से जा करना चाहिए, इधर पे वन पे आ रहा है टू थ्री फोर, और इधर पे करने पे वन टू पे आ रहा है, तो लोकेंट रूल के हिसाब से मुझे इधर से नंबरिंग करनी चाहिए। चीज़ें समझ आ गई, लोकेंट का बताने की जरूरत नहीं है। अब लोकेंट रूल को फेल कर देते हैं, ठीक है। अब लोकेंट रूल कैसे फेल हो जाएगा भैया, इधर से भी डबल बॉन्ड इधर से भी डबल बॉन्ड, तो क्या कंडीशन आ जाएगी भैया, इधर से नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर, फोर आ जाएगा यानी वन और फोर, और इसके बाद फाइव सिक्स यानी सिक्स पे पड़ेगा नेक्स्ट। सम रूल अपना रख के देख रहे हैं। अब इधर से करेंगे तो वन टू, दूसरे नंबर से दूसरे चौक से करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी कितने में पड़ रहा है, वन पे पड़ रहा है, फिर फोर पे पड़ रहा है, फिर सॉरी थ्री पे पढ़ रहा है, फिर कितने पे पढ़ रहा है, सिक्स पे पढ़ रहा है। यानी यार सम रूल के हिसाब से किया जाए तो मेरी ये येल्लो वाली सही हो जाएगी, चीज है नंबरिंग, पर यार सम रूल को भी फेल करते हैं। चलो ठीक है, लोकेंट रूल तो पहले ही फेल हो चुका है, वन आना गया भैया, कंफ्यूजन हो गया क्या आएगा, फिर अपन ने देखा दूसरे नंबर से सम रूल से तो अरे हो जा रहा है, ठीक है इसमें लोअर इसका एडिशन करोगे तो कम आएगा। अब सम रूल को भी फेल करते हैं, चलो तो सम रूल को जब मैं ऐसे फेल कर दूंगा, यहां पास से कितना आ जाएगा, मान लेते हैं ये जो फोर पे आ रहा है इसको अपन एक और इधर बढ़ा करके इसको रब करते हैं थोड़ा सा, वन वन ठीक है, वन टू थ्री थ्री पे करते हैं, इधर से वन टू थ्री थ्री पे करते हैं, अब तो सम रूल भी फेल हो गया ठीक है। तो अपन इस समय अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर प्रूव करेंगे, वैसे करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो इधर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, फिर थ्री आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, फिर सेवन आ जाएगा, उधर से भी नंबरिंग करोगे तो वन थ्री फाइव सेवन ही आ जाएगा। अब तो सम रूल किधर से भी कर दो, कोई टेंशन अभी नहीं है, तो एक तरीके से सम रूल का यहाँ फेलियर देखने को मिल गया, क्योंकि अपने को डिसाइड नहीं कर रहे लेफ्ट से चले राइट से चले, पर यार कहीं से भी चल दो, अभी तो ये कंडीशन बन रही है। अब एग्जैक्टली सम रूल को फेल करते हैं तब समझ आएगा कि चीज़ें बन रही हैं या नहीं है। तो सम रूल को जब मैं यहाँ फेल करूँगा तो मैं देखूँगा यार कैसे फेल कर सकता हूँ, मैं यहाँ अगर ये वाले पे चीज पे क्या लगा दूँ, फाइव इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पास ये लगा देता हूँ इन, और इधर साइड सिक्स पे लगा देता हूँ क्या मैथ, तो अब किधर से नंबरिंग की जानी चाहिए, सम रूल तो नेगलेक्ट करना ही पड़ गया। अब अपन लगाए अल्फाबेटिकली ऑर्डर, क्लियर है, क्योंकि यहां पास इन आ रही है, ई इज स्मॉलर देन मैथ का एम, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से, यानी नंबरिंग मुझे इधर से करनी चाहिए, सही है। वैसे ब्रांचिंग के हिसाब से भी देखोगे तो कोई समझ नहीं आने वाला, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वैसे इधर से ब्रांचिंग वाले रूल से भी थोड़ा काम बन जाएगा,
काम हो जाएगा। क्लियर है? तो ब्रांचिंग वाला रूल भी ये सेटिस्फाई करवाए दे रहा है, और ये वाला भी रूल उल्ले हुला रे हुल्ले हुल्ले उल्ले उल्ले बिल 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 ब्रांचिंग रूल सेकंड रूल है, ये ध्यान रखियो। थोड़ा से जल्दबाजी में दिक्कत हो सकती थी फेल करने के चक्कर में। ब्रांचिंग रूल क्या है? सेकंड रूल है, यानी नियरेस्ट ब्रांचिंग किधर पड़ रही है? 1, 2, 3 पे पड़ रही है, यानी नंबरिंग इसकी इधर से की जाएगी। क्लियर है? ये वाली चीज से इधर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपना पहला रूल है भैया लॉन्गेस्ट चैन को चुनो, दूसरा रूल है क्या ब्रांचिंग नियरेस्ट जिधर से पड़े उधर से भागो। तो ब्रांचिंग नियरेस्ट इधर से पढ़ रही है, बट मैं एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मेरे काम हो जाए। यानी यार इधर पे मैं ले लेता हूँ, चार चार पड़ जाएगा, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, यानी इधर मैथ लगा देता हूँ। तो अब किधर से नंबरिंग की जानी चाहिए? इधर से कि इधर से? इधर से करेंगे, क्योंकि अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सही है? समझ आया यहाँ तक की कहानी? तो ये सारे के सारे एक ही एग्जांपल से ये सारे रूल्स को सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन अपन समझ सकते हैं।